نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فقد قال ربنا تبارك وتعالى اقول قولي هذا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يئس الكفار من اهل القبور صدق الله تعالى وصدق رسوله الاعلى ونحن على ما قال لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک پڑھ لیجئے اللهم صل على صلى الله تعالى سيدنا مولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم دائما ابدا سرمدا मुझे 70 और 80 की दहाई में हुजूर आली के साथ अब अपनी तरफ के तकरीबन हर गांव के जलसे में जाने का इत्तेफाक हुआ है और यहाँ दो बार हाजिरी हुई, आज तीसरी बार हाजिर आया हूँ। उस वक्त भी अपने इलाके में, खासकर इस्लामपुर सोनापुर के इलाके में कुछ लोगों को बड़ी गलत फहमियां थी और आज भी इतना जमाना बीत जाने के बाद कभी कभी दबी दबी आवाज सुनने को मिलता है। अब उनकी यादगार बाबू हुजूर के ताल्लुक से मैंने उस वक्त भी कहा था, आज फिर एक बार दोहरा रहा हूं। जब से आया हूं तब से करीब करीब जाग ही रहा हूं। जो मुकर्रर आया, अनाउंसर आया, मजमे ने उस वक्त से अब तक जितने नारे लगाए उसमें मसले के आला हजरत जिंदाबाद के नारे ज्यादा आ गए। हालांकि सिलसिले के एतबार से ये सिलसिला इमाम रब्बानी से हम तक पहुंचा, क्या ये इस बात की दलील नहीं है कि जो आला हजरत का अकीदा था वही अकीदा हुजूर आली का भी था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। रही बात दिल की, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया हल्ला शक्ता कलबा, क्या तुम किसी का दिल चीड़ के देखने के मुकल्लफ किए गए हो? जाहिर ही बातिन का गम मान होता है, तो इससे बातिन को समझ लेना चाहिए। हाँ फर्क है, शादी अगर मौलाना के बेटे की हो तो सेहरा खिला के लिए कहा जाएगा, मौलाना के लिए या मौलाना के बेटे के लिए?
बेटे के लिए कहा जाएगा। अगर कोई मुतालबा करे कि नहीं मौलाना के लिए सेहरा करो, ये मुतालबा उनका बरहक होगा। हाँ ये कहो कि उस सेहरे में ये भी तस्करा कर दीजिए कि मौलाना भी आज बहुत खुश हैं, बेटे के सर पे सेहरा देख के मौलाना का दिल बाग बाग हो गया है, ये तो कहा जाएगा। लेकिन सेहरा मौलाना के लिए नहीं कहा जाएगा। तो अहले सुन्नत व जमात का कोई भी सिलसिला हो, जब उस सिलसिले के बुजुर्ग का उर्स होगा तो तस्करा तो पहले उन्हीं का न होगा। हाँ या आप कहो कि साहब तस्करा उनका कीजिए, मगर मसलक भी बता दीजिए कि मसलक के आला हजरत है, ये मसलक का तस्करा जिन्नन आए, असल गुफ्तगु उसी बुजुर्ग के ताल्लुक से हो। तो जो जिन लोगों के दिलों में कुछ है कजी, उनको अपना दिल साफ कर लेना चाहिए। हम लोग सब हम अकीदा हैं, जो अकीदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवातुर के साथ हम तक पहुंचा है, उस अकीदे के हामिल रजवी लोग भी हैं, अशरफी लोग भी हैं, नूरी लोग, सबका अकीदा ये है। और आप में फर्क होता है, अलग 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 होते हैं। और खुद अब अगर आप बुजुर्गाने दीन की तारीख देखेंगे तो उनके यहाँ दो आदमी आए, तीन आदमी आए धोने के लिए। पीर ने देखा इनको भी, उनको भी, उनको भी, मुरीद एक सिलसिले में किया, इनको वजीफा दूसरा बताया, उनको दूसरा बताया, उनको तीसरा बताया। ये तो पीर की दूरबीन निगाहों का करिश्मा होता है कि किनके लिए कौन सा वजीफा मुनासिब होगा। पीर तबीब होता है, मुझे खुद अपने घर का वाकया याद है। मेरे बड़े भाई बीमार हुए अचानक बुखार, और उनकी छोटी बच्ची भी बीमार उसी बुखार में मुब्तला, 106 डिग्री तक उस वक्त हमारे इलाके में हमारे फैमिली डॉक्टर मोहनलाल जैन उनके यहाँ इलाज के लिए ले जाया गया। उन्होंने वही दवा एक ही दी, मगर भाई साहब के लिए इंजेक्शन लिखा, उनकी बच्ची के लिए लेके आए। दूसरे दिन कोई इफाका नहीं हुआ, तीसरे दिन मजबूर होकर फिर लेके जाना पड़ा। तो मोहनलाल जैन ने बहुत गौर और फिक्र किया और कहा कि बात समझ में नहीं आती है, उस बीमारी का इलाज यही है, दवा यही है, कोई और दवा नहीं। अच्छा ऐसा कि बच्ची को इंजेक्शन लगवा दी और उनके वालिद को कैप्सूल खिलाई। लाए घर, भाई साहब को इंजेक्शन लगता था, वो इंजेक्शन बच्ची को लगा। कैप्सूल बच्ची खाती थी, वो कैप्सूल भाई साहब ने खाया। दूसरे दिन बुखार उतर गया, है वही थी, मगर मुनासिब उस बीमार की बीमार के लिए क्या होगा वो डॉक्टर जानता। तो और आदोदाई सारे बुजुर्गों के एक ही है, मगर हर पीर जो वाकई पीर हो,
वो जानता है कि किस मुरीद को कब कब क्या दिया जाए। इसी को कहा गया है हाफिज शिराजी ने कब फरमाया, बमे सज्जाद रंगी कुन गरत पीरे मुगा गोयत के सालिक बे खबर नबुवत से राहो अपने मंजिला। सुभान अल्लाह। आप जानते हैं दवा की शीशी पे लिखा रहता है फलाम बीमारी की दवा, मगर आखिर में लिखता है कि डॉक्टर के मशवरे से खाई खाई। जब मालूम है कि फला बीमारी की दवा है फिर डॉक्टर के मशवरे की जरूरत क्या है? डॉक्टर समझेगा कि इस आदमी का मिजाज कैसा है, उसके मिजाज के मुआफिक ये होगी कि नहीं होगी। यही हाल है बुजुर्गाने दीन का। तो सारे बुजुर्ग एक ही है, सारे बुजुर्ग एक ही है, मगर तरीका इलाज का जुदा गाना होता है। तो इससे ये समझना कि ये तो सही है वो गलत है, ये गलत। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग एक ही अकीदे के, सब बदगुमानी नाजायज आ रहा है। कुरान करीम ने बदगुमानी से बचने के लिए फरमाया। बार दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबी बारिक सल्लम दायमन अबदन सरमदा। हजरात आज आप यहाँ क्यों आए मैं जानता हूँ, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आने में पैसे भी खर्च हुए, तकलीफें उठानी पड़ी। अब भी यहाँ बैठे जहमत तो है, आराम की नींद छोड़ के आप बैठे हैं। मकसद क्या है? मैं ये समझता हूँ कि आपका मकसद ये है, आप ये उम्मीद लेके आए हैं कि मुझे फायदा पहुंचेगा, मुझे फायदा पहुंचेगा, यही उम्मीद रख के आए हैं। बोलो यही उम्मीद रख के आए हैं। बिला बिला कोई पैसा खर्च नहीं करेगा, कोई आने की जहमत नहीं उठाएगा, कोई यहाँ आके तकलीफ बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको उम्मीद है कि मुझे यहाँ आने से फायदा होगा, समझ रहे हैं मेरी बात आप? अब मेरी जवानी नहीं रही कि वो जवानी वाली तकलीफ करूंगा। आप काम की बात याद करो, वाह वाह वाली बात याद करने की जरूरत नहीं। और न जनसु में होता है, अब वो उलमा बयान फरमाते हैं अपने अंदाज, वाह 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 में बात दब गई, सुभान अल्लाह में बात बात गई। किसी ने पूछा कैसा चलता है भैया? अरे नफ नफ, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत। तो क्या समझे आप क्या काम? बोले वो तो नहीं कर सकेंगे, मगर बहुत उम्दा उम्दा। तो अब मैं उम्र की इस मंजिल में हूं कि आपसे बहुत उम्दा सुनने का मुश्ताक नहीं, चंद बातें मैं बताऊंगा। अल्लाह करे आपके काम से आपके दिल में उतरे। आमीन आमीन। तो आप ये उम्मीद लेके आए हैं कि यहाँ से हमको फैज मिलेगा, हमको फायदा होगा। जब भी आपने पैसे भी खर्च किए, आने की जहमत भी उठाई, यहाँ भी आराम नहीं है, नींद छोड़ के आप बैठे हैं। हरि कृष्ण यहाँ आएगा, लाला प्रसाद यहाँ आएगा, फैज मिलेगा? वो नाम नाम कुरान ने इसे की तस्दीक फरमाई। मैंने आज वही आयत तिलावत की है
कुरान इरशाद फरमाता है या एसल फा, जो मुसलमान नहीं है वो ना उम्मीद, या ऐसा के माने ना उम्मीद हो जाता है। जो मुसलमान नहीं है वो ना उम्मीद, किस चीज से? मीन अहलिल कुबूर, कब्र में रहने वालों से। जो मुसलमान नहीं है वो कब्र वालों से ना उम्मीद है। तो इसका उल्टा क्या हुआ कि जो मुसलमान है वो कब्र वालों से उम्मीद लगाए बैठे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उनको आसरा है। कब्र वाले कौन है? हुजूर अली है, उनके सिलसिले के तमाम बुजुर्गाने दीन है, हर सिलसिले के बुजुर्गाने दीन है। तो इसका मतलब यह है, इशारत जबान में ये कहा जा रहा है कि बुजुर्गों से आस मत तोड़ो, आस लगाए रखो, उनसे फैज की उम्मीद लेके रखे रहो, फैज की बारगाह में आओ, फैज पाओ। उनकी बुजुर्गाह में आओ, उनकी बारगाह में आओ, फैज पाओ। फैज पाने का मुनकिर कौन होगा जो मुसलमान नहीं? जो मुसलमान नहीं है वो ना उम्मीद है कि उनको कब्र वालों से नहीं मिलना, और जो मुसलमान है वो उम्मीद लगाए रहे कि कब्र वालों वाले हमको मिलना है, कब्र वालों वाले हमको मिलकर रहेगा। चुनांचे यही होता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी सिलसिले में बड़ी प्यारी बात इमाम अहमद रजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, एक फिरका है मुसलमानों का पुराना मोतज़िला, उनका अकीदा यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नहीं होगी, अल्लाह जो चाहेगा वही होगा, शफाअत का कोई फायदा नहीं होगा। और हम अहले सुन्नत का अकीदा यह है कि अगर हम गुनहगार भी हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफारिश फरमाएंगे। आला हजरत के सामने तकराया आला ने फरमाया हम भी सही कहते हैं और मोतजला भी सही सही कहते हैं। सुनने वाले को समझ में बात नहीं आई कि हम भी सही कहते हैं और वो भी सही कहते हैं, दोनों बात कैसे सही हो? या तो उनकी शफाअत होगी या हुजूर की शफाअत नहीं। आला हजरत फरमाते हैं कि हम भी सही कहते हैं, वो भी सही कहते हैं। पूछा क्या हुजूर कैसे? तो फरमाया हम कहते हैं कि हुजूर की शफाअत होगी तो हमारे लिए होगी, वो कहते हैं हुजूर की शफाअत नहीं होगी तो उनके लिए नहीं होगी। दोनों बातें सही है, जो अकीदा रखता है कि उनकी शफाअत होगी उनको होगी, जो अकीदा नहीं रखता है कि उनकी शफाअत नहीं होगी तो उनको नहीं होगी, वो अपने लिए कह रहा है, अपने लिए कह रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ने फैसला फरमाया या ऐसा कुफार व मिन अहलिल कुबूर, जो मुसलमान नहीं है वो कब्र वालों से ना उम्मीद, और जो मुसलमान है वो कब्र वालों से उम्मीद लगाए बैठे हैं। कब्र वालों से फायदा मुसलमान होगा, गैर मुस्लिमों को नहीं होगा। तो जो लोग इनकार करते हैं वो अपनी बात करते हैं, जो इकरार करते हैं वो अपनी बात करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिनके कब्र वाले को फायदा नहीं पहुंचाते हैं वो इनकार करते हैं, जिनके कब्र वाले को फायदा पहुंचाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इसी इरादे से आए हैं, मगर घर फायदा के लिए शर्त है, फायदा के लिए शर्त है। आप फायदा की उम्मीद लेके जरूर आए हो, मगर अगर शर्तों की रियायत करोगे तो फायदा होगा, और शर्तों की रियायत करोगे तो फायदा नहीं। आजकल हम सुन्नियों में भी बड़ी बेराह पैदा हो गई है। चादर निकल ले जा रहे हैं, चादर का जुलूस देखिए,
अजान हो रही है, चादर लेके जा रहे हैं। मुझे याद है बेंगलोर में उसको जामी बिलाल नहीं था, यहाँ से गया था प्रोग्राम, एक उर्स की तकरीर थी, उसमें मुझसे पहले एक मौलाना साहब फरमा रहे थे बड़ी जोश जोश में, आप इतने से नहीं नहीं वही उधर ही थे, अब नाम एक साहब तकरीर फरमा रहे थे, कैसे बोला मार रट के आए हैं, आंख बंद करके बोलेंगे बर्वक जो समझ मैं आया आया, जो कुछ पढ़ा लिखा है वो कर बर्वक, उसमें से जितना समझ याद आ जाता है बोलते हैं बस। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व आलिही सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला। जो साहब उससे पहले तकरीर फरमा रहे थे बड़े बड़े बोल रहे कि भाई जिस चीज की जरूरत हो वहां जाना हो, प्याज की जरूरत हो प्याज वाले के यहाँ जाना हो, जूते की दुकान में प्याज भी मिले, जूता खरीदना है तो जूते वाले के यहाँ जाना होगा, प्याज वाले के यहाँ नहीं मिले। इसी तरह वो जोश में मिसालें दे रहे थे, अब अल्लाह को आना है तो अल्लाह वालों के यहाँ आना, वो तो बोल गए। उसके बाद मैं बैठा हुआ था, कहाँ भाग के जाऊँ, मेरा नंबर आया तो मैंने कहा साहब उससे पहले आपने बड़ी बड़ी जोश तकरीर सुनी मौलाना ये फरमाया, मगर बात अधूरी कही कही पूरी नहीं, यकीन प्याज लेना है तो प्याज वाले के यहाँ ही जाना होगा, ये सच सच, जूता खरीदना है तो जूते वाले के यहाँ ही जाना होगा, कपड़ा लेना है तो कपड़े वाले के यहाँ ही जाना होगा, मगर ये बात तो कह दिया, ये उन्हें नहीं पता कि जेब में पैसा लेके जाना होगा। अगर आप पैसे लेके नहीं गए, दुकानदार के यहाँ गए कपड़े फड़वा लिए, जूते वाले के यहाँ गए पसंद आया जूता खरीद लिया ले लिया और लेके चलते बने आने आप चाप चाप, तो कपड़ा वाला जूता वाला कुछ कहेगा आपको सलाम कहेगा, बोलो कि गिरबान थामेगा कि सामान लिया है पैसा लेके जाओ, और अगर पैसा लेके नहीं गए जेब में पैसे नहीं थे तो दोनों गाल लाल कर देगा, नहीं करेगा करेगा। तो बुजुर्गान दीन के यहाँ आए हो फैज के लिए तो उसका उसका दाम लेके जाना होगा या नहीं, नहीं दाम लेके जाना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कुछ समझे आप दाम क्या है, नमाज पढ़ना होगा, रोजा रखना होगा, जकात देनी होगी, हज करना होगा, झूठ छोड़ना होगा, चुगली छोड़नी पड़ेगी, गीबत छोड़नी पड़ेगी, जुआ छोड़ना पड़ेगा, शराब छोड़नी पड़ेगी, ये सब पाक साफ होके दिल साफ करके जाओगे तभी फैज मिलेगा, नहीं तो फैज नहीं मिलेगा, समझ रहे हो आप बुजुर्गों के यहाँ जाओ तो यकीनन आपका फैज मिलेगा, लेकिन पाक साफ दिल होके जाना, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवर अमालकुम बल यंजुरु इला कुलूबिकुम वत्तक्वा, अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं चाहता है कि तुम दिखावा करो जाहिर करके चले जाओ, बल्कि तुम्हारा दिल साफ सुथरा होना चाहिए और तक्वा होना चाहिए, अल्लाह के यहाँ वही कबूल है, जब अल्लाह के यहाँ कबूल है तो अल्लाह के नेक बंदों के यहाँ भी वही कबूल, जब आप पाक साफ सुथरा दिल लेके जाओ लोग आते हैं साहब के पास, हर शख्स जताने की कोशिश करता है कि हम आपको ज्यादा चाहते हैं, हर शख्स मौलाना कहीं भी आजकल दौरी हो रही है,
मैं हजरत जी की बात नहीं कर रहा हूँ, पीर क्या लोग जताने की कोशिश करते हैं कि हम ये सबसे ज्यादा आदमी चाहते हैं। अगर सबसे ज्यादा चाहते हो तो पीर साहब की दाढ़ी देखो और अपनी शक्ल सूरत देखो। अगर सबसे ज्यादा तुम चाहते तो अपनी शक्ल भी बना लेते इसी तरह से। पीर नमाज नहीं पढ़ता, तुम सबसे ज्यादा चाहने का दावा कर रहे हो तो नमाज पढ़ते नहीं। पीर साहब मेरी बात बात मान, हम पीर साहब की मानी, इसलिए कि हम पैसे वाले। मैं देख रहा हूं तो ये करके दुनिया को धोखा दे सकते हो, बुजुर्गाने दीन को धोखा नहीं दे सकते, अल्लाह और रसूल को धोखा नहीं दे सकते। दुनिया की कहलाओ कि आप पीर के जाने वाले, मगर पीर अंदर से तुम्हें जानते हैं कि कितना तुम मेरा चाहने वाला हो। जैसे जाहिर तौर पर पीर को धोखा देने की कोशिश करते हो, पीर भी तुम्हें ठुकरा रहे हैं। आखिरत में तुमको ऐसे पीर से कोई फायदा नहीं मिलेगा, पीर से उसी वक्त फायदा मिलेगा जब पीर को अपने लिए कुदवा समझो। अरे कुदवा का लफ्ज़ गाली मार गया। पीर को अपने लिए नमूना समझो कि पीर जैसा कर रहे हैं वैसा हम भी करें, पीर जो कर रहे हैं मुताबिक अमल करें तो उसी वक्त तुमको फायदा मिलेगा, नहीं तो तुमको फायदा नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? मैं देख रहा हूं हर जगह पीर के सामने सुर्ख होने की कोशिश करता है, मगर पीर की मुखालिफत करता है बातें तौर पर। पीर जो कहने करने के लिए कह रहा है। मुझे बात याद आई, मौलवी हुसैन अहमद टांडवी जो बंदियों का बड़ा बहुत बड़ा आलिम, उनकी सवाने उन्हीं में लिखा है कि जहां उनको फिरीनी बहुत पसंद थी, फिरीनी और उनके दस्तखान पर मिर्च की चटनी, मिर्च की चटनी उनको पसंद थी। तो मुरीद साथ जाते जाते किसी दावत तो वो तो जरा सी एक चम्मच लेके छोड़ देते थे। अब वो जो मुरीदी रहते थे आसपास में सब चुप पड़ते थे फिरीनी की तबल तबल। एक दिन उसकी नजर पड़ गई, उसने उन सबसे कहा क्या करें? तबर्रुक है। फरमाया वो मिर्च की चटनी वो तबर्रुक नहीं है, फिर भी तबर्रुक है। मिर्च की चटनी भी तबर्रुक है, उस पर क्यों नहीं पड़ते? तो वही हाल है गरीब का, अपने मफाद के लिए पीर को इस्तेमाल करना चाहता है। पीर के कहने पे नहीं चलेगा, उसी बात पर अमल करेगा जिस बात में उसका अपना फायदा नजर आएगा। दुनिया भी अभी दुनिया भी अभी मुझे याद आई बात, मेरे पीर वो मुर्शिद उस्ताद हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह यहां बहादुरगंज के इलाके में सन 74 में जब तशरीफ लाए थे तो बहादुरगंज के इलाके में जो आता था दुआ करते बेटे की शादी हो जाए, बेटी की ऐसा हो जाए, मकान बन जाए, दुकान में फायदा हो जाए, काकरारी में फायदा, बीमारी मारी हो जाए। एक शख्स ने आगे कहा कि हुजूर दुआ फरमा दें, अल्लाह आत्मा नसीब बिलखैर नसीब। हुजूर मुफ्ती आजम ने कहा और दो तीन मिनट तक या डेढ़ मिनट तक उनके चेहरे की तरफ देखते फरमाया मैं पहला आदमी इस इलाके में जो खात्मा बिल खैर की दुआ के लिए कह रहे हो, और जो आ रहा है धन दौलत जमीन जायदाद जिक्र लेके आ रहा, अल्लाह तुम्हारा खात्मा बिल खैर फरमाए उनके लिए दुआ दुआ। तो पीर साहब की दुआ के पास जो आता है वो अपना जाति मफाद दुनिया का लेके आता है। अरे दीन के मक्के मफाद के लिए उनकी बारगाह में आओ, दुनिया तो कमा ही नहीं, दीन के लिए उनकी बारगाह में आओ। मगर
तो आप जो आते हो समझते हो कि पीर साहब से मुरीद हो गए, पीर साहब की काफी बात देंगे, हमको कुछ करना ना पड़े, ये तो नहीं हो। लैसा लिल्लाह निशान इल्ला मासा। हाँ, पीर क्या है, सब कुछ तो आ रहा पावर वहां से मदीने मुनव्वरा से। पीर तार है, पीर तार है, तुम बल्ब हो, अगर तुम फ्यूज हो तो पीर से पीर रोशनी नहीं करा सकता। बल्ब अगर फ्यूज है, पावर आ रहा है, सब कुछ उधर सही है, मगर जलेगा नहीं, रोशनी नहीं पैदा होगी। पीर तार है, पीर के जरिए से मदीने से आ रहा है, फैज पहुंचेगा, जबकि तुम फ्यूज नहीं हो, खुद भी कुछ करोगे, सोच रहे हो कि हमको कुछ करना ना पड़े, सब कुछ पीर साहब कर ले और हमको जन्नत मिल जाए। तुमको जन्नत नहीं मिलेगी, जन्नत उसी वक्त मिलेगी जब खुद अमल करो। हाँ, पीर का वास्ता होता, पीर का जरिया होगा। अल्लाह तबारक व तआला तुमको हमको सबको सच्चा मुरीद बनाए, सच्चा मुरीद बनाए, मुखलिस मुरीद बनाए। अभी मौलाना फरमा रहे थे ना, मुरीद व मुराद, तमाम बुजुर्गान दीन ने फरमाया। बात याद आ गई, आला हजरत जब मुरीद होने गए थे, इमाम अहमद रज़ा बरेलवी जब मुरीद होने गए महाराज शरीफ, तो जिस दिन मुरीद हुए, मुरीद होते ही पीर ने खिलाफत दे दी, तो सैयदना आले रसूल रहमतुल्लाह ताला अली के वली अहद हुजूर नूरी मियां, जो हजरत हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा हुजूर मुफ्ती आजम के मुरीद के पीर थे, उन्होंने पूछा, अर्ज किया बल्कि कि हुजूर, इस खानकाह का दस्तूर तो ये रहा है कि महीनों चिल्ला कराया जाता है, मुजाहदा कराया जाता है, उसके बाद भी सबको मुरीद जल्दी नहीं किया जाता, खिलाफत नहीं दी जाती, जब देखा जाता है कि हाँ चिल्ला उल्ला करके ये लायक है, तब खिलाफत दी जाती है। और ये तो नौजवान लड़का है, 19-20 साल की उम्र थी, नौजवान लड़का आया और आते ही मुरीद हुआ, आपने तमाम सिलसिले की इजाजत दे दी, तो आपने फरमाया कि मियां साहब अपने वली अहद नूरी मियां को मियां साहब ही कहते थे, मियां साहब लोग आते हैं दिल में जंग लेकर, स्याही लगाकर, चिल्ला से मकसूद मुजाहदात मकसूद उस जंग को दूर करना रहा है। ये नौजवान आया है साफ और शफाफ कल्ब लेकर, इसको सिर्फ निस्बत की जरूरत है, मैंने निस्बत जोड़ दी। तो पहले अपने दिल को साफ, हर मुरीद को अपना भाई समझो, हर मुरीद भी मुरीद, दूसरा भी मुरीद है, तो हर मुरीद को अपना भाई समझो, उनको धक्के धक्के गरीब है तो उधर हटा देते हो, तो मुरीद नहीं दिखावे के मुरीद, वही है जो मुराद हो। हजरत महबूबे इलाही ने फरमाया था कि अगर शरीयत इजाजत देती, शरीयत इजाजत देती तो मैं वसीयत करता, क्या 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 वसीयत करता, क्या अमीर खुसरू को मेरी कब्र में दफन करना। पीर जब ये कहे मुरीद के लिए, तब मुरीद होता है। आला हजरत जब मुरीद हुए तो नूरी मियां से उसी मौके पर, आला हजरत मुरीद हुए तो इमाम आला हजरत के पीर ने कहा
कि मियां साहब मुझे फिक्र थी कि कयामत में खुदा ने कहा कि अहमद रजा मेरे लिए क्या लाए हो दुनिया से। आज वो फिक्र दूर हो, मैं अब बेफिक्र हो गया। कयामत में खुदा पूछेगा तो कह दूंगा खुदाया तेरे लिए अहमद रजा को लेके आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा बनने की कोशिश करो जैसा कि हदीस में है कि दीन की खातिर रो रो रो, और अगर रोना नहीं आए तो रोने की शक्ल बनाओ। रोना नहीं आए तो रोने की शक्ल बनाओ। तो कुछ तो करो करो, खाली मुरीद हो गए कि पैसा पूरा कराना देते हैं, वो ही हमारी जन्नत के लिए काफी है, वो काफी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे नजराने के मोहताज ताजाब नहीं है, नजराना कबूल करते हैं तुम्हारा दिल रखने के लिए, क्योंकि हदीस में आया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोहफा कबूल फरमाते थे, इसलिए सब सारा तोहफा कबूल फरमा लेते हैं। ये नहीं कि तुम्हारे पैसे के मोहताज है। बुजुर्गान दीन के वाकयात, बुजुर्गान दीन के वाकयात के लोग बादशाह हजरात जमाने का बादशाह नजर लेके आते थे, फरमाते थे कि मेरे काम बहुत बहुत बजीद हुए कि ये ले लिया जाए, मेरी तरफ से कबूल फरमा लिया जाए, वक्त जरूरत काम आए। फरमाया जरूरत काम आएगा, मिट्टी उठाई हाथ में लिया दिखाया देखो जरूरत, तो मिट्टी थी सोना बना बना, मिट्टी थी हाथ में आते ही सोना बना बन गई। मगर सुन्नत है ये तुम्हारा नजराना कबूल करना, इसलिए कबूल कर लेते हैं। ये नहीं कि पीर साहब को नजराना देखा देख पीर साहब पर एहसान कर रहे हो, मगर पैसे वाले क्या समझते हैं, हम बहुत मोटी रकम नजराना देते हैं, इसलिए पीर साहब हमारी बात मानेंगे। पीर साहब तुम्हारी बात ये मान लेते हैं, धक्के देके तुमको नहीं भगाते हैं कि धक्के देके भगा देंगे, पता नहीं कहां घूम रहा होगा, तो तुमको समेट के रखे रखे हैं। इसलिए क्या अगर समेट के न रखे, मुर्गी को देखो, मुर्गी के चूजे चार पांच छह जो भी होते हैं, अगर कोई कौवा भी उड़ के जा रहा है या मैना भी उड़ के जा रहा है तो फर्म फर्म वो ढक लेती है, क्यों उसको अंदेशा होता है कहीं कोई कौवा मेरे चूजे को उठा न ले जाए। तो पीर साहब तुम्हारा नजराना कबूल कर लेते हैं, तुम्हारी बात मान लेते हैं, इसलिए नहीं कि पीर साहब को तुम्हारी जरूरत है, बल्कि तुमको जरूरत है पनाह की। पीर साहब तुम्हारी बात मान कर तुम्हें पनाह दे रहे हैं, कहीं कहीं अगर नाराज होकर दुनिया भी एतबार से नाराज हो गए और किसी गुमराह के हत्ते चढ़ गए तुम्हारा ईमान भी जाएगा, दिल बर्बाद हो जाएगा, इसलिए पीर साहब तुम्हारी बात मानते हैं, इसलिए नहीं कि पीर साहब तुम्हारे मोहताज हैं। समझते हो कि पीर साहब हमको बहुत चाह रहे हैं, चाह इसलिए रहे ताकि गुमराही से बचे रहो, बेदीनी से बचे रहो, और तुम समझ रहे हो कि हमारे पैसे की वजह से चाह रहे, पैसे की वजह से नहीं, तुम्हारा दीन बचाने के लिए, तुम्हारा ईमान बचाने के लिए सब कुछ आ रहे हैं। हजरात अभी आपने देखा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इधर देख रहे हैं, पगड़ी ही पगड़ी नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने लड़के हैं? 34 34 से लड़के कुछ उलमा है, उलमा कितने? 7 फजीलत में 7 बकिया के लड़के गलत में 9 हुफाज आ रहा है। मैं अपने आप बचपन को कुछ कहना चाहता हूँ, सारे लड़के सुभान अल्लाह खासकर फजीलत वाले सुने, आज तक अभी से पहले वो यहाँ का तालिबे इल्म, अभी से पहले 10-15 मिनट पहले अब वो उर्फी माना का तालिबे इल्म नहीं रहा,
वरना तालिब इल्म हम भी है, सब है, कोई नहीं कह सकता कि हम तालिब इल्म हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सरवरे कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उतलबुल इल्म मिन अल महज इला अल्लाह। माँ की आगोश से लेकर कब्र में जाने तक तालिब इल्म बन के रहो, उतलबुल इल्म पूरी जिंदगी तालिब इल्म है। किसी बुजुर्ग से पूछा, बड़े आलिम कि हुजूर आप कितना जानते, फरमाया जितना नहीं जानता हूं उससे कम जानता हूं। सबसे बड़े आले आले जमाने के पूछा गया, आप कितना जानते, फरमाया जितना नहीं जानता हूं उससे कम जानता हूं। तो फारिग होके जा रहे हैं आज, ये मत समझे कि हम आलिम हो गए, समझे कि अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा, खाली खाली भरा रहेगा तभी उसमें पानी समाएगा, और जो भरा कहे समझे कि हम भरे हुए हैं उसमें फिर और समाएगा। जिंदगी भर अपने को खाली समझो, क्या बात तभी यौमल फयौम जिस दिन तुमने समझा कि हम तो आलिम आलिम हो गए, उस दिन से तुम तनज्जुल की तरफ जाओ। और क्या पढ़ा है, आला हजरत इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तहरीर फरमाया कि दरसे निजामिया वो आलिम बनाने के लिए नहीं है, आलिम बनने के लायक बनाने के लिए। जैसे पहले मैट्रिक आजकल इंटर करके आगे तालीम याफ्ता नहीं हो जाता, तालीम याफ्ता बनने के लायक होता है। अब वो चाहे जिस लाइन में चाहे जाए, जो चाहे डॉक्टर बनने के लिए भी इंटर करना जरूरी है, टीचर बनने के लिए भी जरूरी है, इंजीनियर बनने के लिए भी जरूरी है, किसी भी शोबे के लिए इंटर करना जरूरी है। वैसे ही इल्म के किसी भी शोबे में जाने के लिए दरसे निजामिया पढ़ना जरूरी है। अब अभी तुमने दरसे निजामिया पढ़ा है, अभी इल्म हासिल नहीं हुआ है, अब इसके बाद इल्म हासिल करोगे तो इल्म में आया है। एक बात और दूसरी बात सबको कहना चाहता हूं, अब तक तुम तालिब इल्म थे यानी बच्चे थे, उम्र नहीं देखी जाती आती, तालिब इल्म जब तक थे तब तक बच्चे थे। तुमसे कोई गलती होती थी ये नहीं कहता था मौलाना ने गलती की, फला मदरसे के तालिब इल्म ने ये गड़बड़ किया, ये गलत किया, तालिब इल्म समझकर लोग गलती करते हैं। और अब यहां से स्टेज से उतरोगे तुम्हारे पीछे सीआईडी लग जाए, ये दुनिया की मुल्क की सीआईडी नहीं, गवर्नमेंट की सीआईडी नहीं, सबकी आंखें सीआईडी का काम करेंगी। तुम कहां जा रहे हो, कहां उठ रहे हो, कहां बैठ रहे हो, किस तरह से रुक कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हर वक्त तुम्हारे पीछे लगे लोग लगे रहेंगे, तुम्हारी जरा सी कमी को वो पहाड़ समझेंगे, और पहले पहाड़ थे तो लोग तालिब इल्म समझ कर छोटी गलती मानते थे और तुम्हें तुमसे दरगुजर कर। मैं हुफाज से कहूंगा कि हाफिज तो बन गए भाई, हाफिज बन गए मगर कुरान नहीं समझते हो, कुरान समझने के लायक नहीं, कुरान किसी सूरत का तर्जमा नहीं कर सकते, मतलब नहीं बने तो क्या करोगे, इमामत मगर तुम्हारी इमामत भी कैसी होगी, उसकी दुनियावी मिसाल मैं आपको समझाऊंगा, तवज्जो से सुनो। इमाम का काम क्या है, मुक्तदी की फरियाद अल्लाह ताला तक पहुंचाना,
इमाम पढ़ता है इहदिनस सिरात अल मुस्तकीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ता है, पढ़ता है इहदिनस सिरात अल मुस्तकीम सिरात अल लजीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। ये क्या है? तुम्हारी दरख्वास्त, तुम्हारी फरियाद है जो तुम खुदा से करना चाहते हो, और इमाम पढ़ता है वही, तुम पीछे रहते हो हाथ बांधे खड़े। जैसे कोर्ट में तुम फरियाद करते हो, हमको फलां सता रहा है, फलाने जमीन दबा ली है, फलाने हाने झूठा मुकदमा दायर किया है, तो वकील तुम्हारा क्या करता है? जज के सामने तुम्हारा मुकदमा रखता है, कहता माय लॉर्ड हमारे मुखी को फलाने गाली दी, फलाने जमीन दबा ली है, फलाने मारा है, समझ रहे हो? फैसला कौन करेगा? जज। जज तो फैसला तो अल्लाह ताला करेगा, इमाम वकील है तुम्हारा और तुम वकील हो। अब अगर तुम्हारी जो फरियाद है वकील ही नहीं समझता कि दरख्वास्त में क्या लिखा है, तो मुकदमा तुम्हारा, तुम जीत के आओगे कि हार के आओगे? बोलो, मुकदमा तो हार जाओगे। तो तुम्हारी फरियाद तुम्हारे इमाम को समझना चाहिए जो अल्लाह 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 की बारगाह में पेश कर रहा है, और हुफाज अभी इसे लाए नहीं कि तुम्हारी फरियाद वहां तक पहुंच जाए। फकी तौर पर नमाज तो हो जाएगी, फकी तौर पर नमाज तो हो जाएगी, कमजोर वकील को भी वकालत जब डिग्री रहती है तो वकालत करने के लिए मौका दिया जाता है, तो तुम कमजोर वकील से ही नमाज फर्ज अदा हो जाएगा सही तौर पर। लेकिन इन हजरात से पूछो, इनके दिल से पूछो, सूफिया कराम फरमाते हैं जो नमाज बिला समझे नमाज वो नमाज दर हकीकत नमाज ही नहीं, जो नमाज बिला समझे नमाज वो नमाज दर हकीकत नमाज ही नहीं है, बल्कि और सूफिया तौर बढ़कर फरमाते हैं हदीसे पाक की, हदीसे पाक में आया है ए लोगो अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे तुम उसको देख रहे हो, जैसे तुम उसको देख रहे हो। सुभान अल्लाह। फइल्लम तकुन तरा फइन्नहु यरा, कहते हैं उलमा तर्जुमा करते हैं, अगर तुम उसको नहीं देखते हो तो सोचो कि वो तुम्हें देख रहा है, लेकिन साहेबाने दिल का वो तर्जमा नहीं करते, वो फरमाते हैं फ़ाइल्लम तकुन, यहां आयत है गोया वक्त करो, फ़ाइल्लम तकुन जब तुम अपने आप को मिटा दो, जब तुम न रहो, यानी फना फिल्लाह, फ़ाइल्लम तकुन अगर तुम नहीं हो तो तरह तो खुदा को देखो, तो खुदा को देखोगे, फ़ाइन्नहु यरा इसीलिए कि वो तुम्हें देख रहा है, उस वक्त तुम भी उसको देख देख सकोगे। तो हाफिज से कहूंगा इस पर कनात मत कर जाना, अल्लाह तौफीक दे अरबी भी पढ़ना, ताकि कम से कम सही इमामत कर सको, सही इमामत हमारी हो सके। हजरात आप इतने खुशनसीब हो, इतने खुशनसीब हो कि बुजुर्गों की फैज़ो बरकात लाइन आजकल तो घर घर देहात में भी घर घर नल जल जल क्या नल जल का ये वो
पाइप घर तक पहुंचा दिया पानी 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 का नल है ना, हाँ वो पानी का नल पहुंचा दिया अपने हाथ। तो फैज का दरिया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चला आया है, सिलसिला बसा बसा ये नल की टूटी तुम्हारे घर पहुंच गई। ये टूटनी तुम्हारे घर तक पहुंच गई है। पहले लोग कहते थे कि कुआं प्यासे के पास जाएगा या प्यासा कुआं के पास जाएगा, मगर अब ये कहावत सही नहीं है। आप कुआं नहीं टूटनी तुम्हारे घर तक पहुंच गई है, तुम्हारे कमरे तक पहुंच गई है, तुमको पीने की जरूरत है, बस बस पीने की जरूरत है। पियो पियो पियो, इतने बड़े बड़े नसीब हो क्या पता फिर कल कल ये दुनिया आनी जानी है, ये दुनिया फानी है, कौन कब तक जिएगा कौन कब तक रहेगा कोई नहीं जानता है, अल्लाह के सिवा और उसके रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके वास्ते से बुजुर्गान दीन के सिवा। इसलिए आज ही तौबा करो और मुंह लगा लो नल से, खूब सहरा अल्लाह ताला हमें और आपको सबको तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावा अनिल हमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।